कोरोना वायरस के कारण बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए साल 2020 बहुत खराब रहा। 100 दिन से अधिक समय से पूरे देश में सिनेमाघर बंद पड़े हैं, जिसके चलते बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। इस वायरस के कारण बनी परिस्थितियों के कारण बॉलीवुड को भारी नुकसान हुआ है। साल 2019 और साल 2020 के फर्स्ट हाफ में फिल्मों की कमाई की तुलना करें तो साल 2020 के शुरुआत में आई कुछ फिल्मों ने अच्छी कमाई कर ली, नहीं तो इस साल का आंकड़ा देखने वाला भी नहीं होता। फिल्म तानाजी अनसंग वॉरियर ने 280 करोड़ रुपए, स्ट्रीट डांसर 3D ने 68 करोड़, शुभ मंगल सावधान ने 60 करोड़ और बागी 3 ने 94 करोड़ से बॉक्स ऑफिस को मैनेज किया और फर्स्ट हाफ में लगभग 775 करोड़ रुपए की कमाई की थी। बता दें कि यह कमाई भी साल के फर्स्ट क्वार्टर की है, वहीं साल का सेकंड हाफ नील है। 2019 बॉलीवुड के लिए अच्छा साल रहा और फर्स्ट हाफ में 2340 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी। इस कमाई में हॉलीवुड फिल्म एवेंजर एंड गेम ने 373 करोड़ का कलेक्शन भी शामिल है। बीते साल फर्स्ट हाफ में उरी द सर्जिकल स्ट्राइक ने 245 करोड़, मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी ने 92 करोड़, गली बॉय ने 140 करोड़, टोटल धमाल ने 154 करोड़, लुक्का छिपी ने 94 करोड़, बदला ने 89 करोड़, केसरी ने 154 करोड़, कलंक ने 80 करोड़, स्टूडेंट ऑफ द ईयर ने 17 करोड़, दे दे प्यार दे ने 103 करोड़, भारत ने 211 करोड़, कबीर सिंह ने 280 करोड़ और आर्टिकल 50 ने 65 करोड़ रुपए की कमाई की थी। यह विश्वास करना मुश्किल है कि साल 2019 की तुलना में साल 2020 पीछे चल रहा है, लेकिन यह सच है। साल 2020 के फर्स्ट हाफ में साल 2019 की तुलना में 1565 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। अभी कुछ भी तय नहीं है कि कब सिनेमाघरों को खोला जाएगा। इस तरह से यह मानना चाहिए कि यह अंतर समय के साथ बढ़ता जाएगा।